बीवी को हाथ नहीं लगाते, यहां तक कि उन्हें मालूम नहीं होता कि वो बीवी हमल से है। इतना ही नहीं, उस मुआशरे के अंदर कुछ घर ऐसे भी थे जिनके घरों पर जिनाकारी का झंडा लगा रहता, जो इस बात की अलामत होती कि इस घर के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी फर्द दाखिल हो सकता है और अपनी जिंसी प्यास को मिटा सकता है। और इतने ही नहीं, बल्कि मुता के नाम पर निकाह जारी था। जो मर्द जहां जाता, सफर करके जाता, कोई औरत अगर पसंद आती, कुछ दिनों के लिए वो निकाह करता उससे, कुछ महीनों के लिए या कुछ पैसों पर उससे निकाह करता, रकम दे देता, उसके बाद आ जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां उस मुआशरे के अंदर मौजूद थी। यानी वो मुआशरा जिसने औरत को अपने इस्तेमाल की चीज बना दिया था, जहां चाहे जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल किया जाए, और उस दौर में औरत का कोई मुकाम और मर्तबा नहीं था। क्यों मुकाम और मर्तबा नहीं था? यहां तक कि अगर देखें आप कि अगर किसी के घर लड़की पैदा होती, बच्ची का जन्म होता, तो बाप इंतहाई गजबनाक कैफियत के अंदर हो जाता और वह इस कोशिश में रहता कि कब कब इस लड़की को मैं जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूं। और होता यही रहा है, मुख्तलिफ लड़कियों को, बेशुमार बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर किया गया। यानी मैं ये बतलाना चाहता हूं बतौर मुकदमा कि औरत इस्लाम के आने से पहले, अल्लाह के वही के नाजिल करने से पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ नाहियों से, मुख्तलिफ तरीकों से औरत का वो मुकाम बयान किया कि उसके बाद फिर दुनिया की तारीख के अंदर या किसी मजहब के अंदर जितने हकायक और जितना ऊंचा मुकाम औरत को दिया गया, किसी और मजहब के अंदर उसका वजूद नहीं मिलता। लेकिन आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होकर 1400 साल चिल्लर गुजर चुकी है, औरत को, ख्वातीन को, हमारी मां बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी बीवियों को अल्लाह का दिया हुआ मुकाम पसंद नहीं आ रहा है। वो आजादी निस्वा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आजाद रहे। जब आजादी थी तो वह जिल्लत थी। इस्लाम ने एक बेहतरीन मुकाम उन्हें अता किया, लेकिन उस मुकाम के बाद फिर ये चाहते हैं कि फिर उन्हें आजादी दी जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको इमाम बुखारी अल रहमान ने अपनी किताब के अंदर लाया, रिवायत यूं है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी पूंजी है, मता है, सामान हयात है। दुनिया की हर चीज इंसान के इस्तेमाल के लिए, मुकम्मल दुनिया की अशिया अल्लाह ने ये इंसानी फायदे के लिए पैदा किए हैं। लेकिन इन सारे चीजों में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरअते सालिहा को दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी करार दिया। कहा, दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई जौहर है, कीमती अगर कोई चीज है, कीमती अगर कोई शय है, तो वह कौन है? मरअते सालिहा। एक जानिब दुनिया के सारे जवाहिरात रख दिए जाएं, एक जानिब सोने चांदी रख दिए जाएं, हीरे रख दिया जाए, मोती रख दिया, एक नहीं पूरी दुनिया की चीजों को जमा कर दिया जाए, पूरी दौलत एक जगह रख दी जाए, गर्ज ये कि दुनिया के जितने मालो मता, जितनी बिल्डिंग, जो सारी चीजें हैं वो सब एक तरफ रख दी जाए और एक जानी मरअते सालिहा को रख दिया जाए, तो सबसे कीमती चीज कौन सी होगी? ये नेक खातून, ये मरअते सालिहा।
लेकिन आज इस कीमती चीज आप जरा गौर करें कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मता सामान करार दिया और बेहतरीन सामान जिसको इस्तेमाल किया जाए। इंसान जितनी चीज कीमती होती है उसको उतनी ही महफूज जगह के अंदर रखता है कि नहीं। सोना और चांदी हो कोई रोड पर लाकर फेंका है आज तक? बाजारों में किसी ने लाकर फेंका है? घर के दरवाजे पर किसी ने फेंका है? बल्कि सोना चांदी जो भी होगा क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर जगह अंदर तिजोरी में बंद करके रखेंगे ताकि किसी बद की निगाह बद उसके ऊपर ना पड़ जाए, किसी चोर की चोरी निगाह उसके ऊपर ना पड़ जाए कि फिर आदमी उस सामान से हाथ धो बैठे। तो जरा गौर करे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरअत सालिहा यह दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है, तो इसको कितना महफूज रखना चाहिए। इस्लाम ने जब इसको बेहतरीन पूंजी करार दिया, उसको बेहतरीन जौहर करार दिया, बेहतरीन मोती करार दिया, बेहतरीन हीरा करार दिया, कहा इससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो उसके इंतजामात, उसके हिफाजत के लिए अहकाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी तरह से बयान किए। लेकिन वो अहकाम आज हमें बड़े बुरे मालूम होते। आयत करीमा जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, ये किसका हुक्म है? रब्बे कायनात का हुक्म है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, ए अल्लाह के नबी आप कह दीजिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिना औरतों को, क्या कह दें? कहा कि अपनी चादरों को अपने ऊपर खींचे। क्यों? अगर ये चादरें खींच लेगी तो ये इल्म हो जाएगा कि ये शरीफ दादियां हैं, ये पाकबाज खवातीन हैं, ये नेक औरतें हैं, फिर तकलीफ दिए जाने से रोके जाएंगी, कोई उन्हें छेड़खानी नहीं करेगा, कोई उनके ऊपर निगाह बद उठाकर नहीं देखेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके हुक्म दिया, अल्लाह के नबी आप उन्हें कह दें, ये जलबाब जिसकी जमा जलाबीब है क्या चीज? आमतौर पर एक है सतर, एक है हिजाब, इन दोनों में फर्क न करने की बिना पर पर्दे के मामले में बहुत सारे शकूक व शुबहात लोगों ने जारी कर दिए। बाद अहले इल्म भी इख्तलाफ के शिकार हो गए कि औरत कितना पर्दा करना चाहिए। वजह, इन दो चीजों में फर्क न करना, एक है सतर और एक है हिजाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सतर का मामला कब से है पता? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम और हव्वा को पैदा किया, उन दोनों को कहा कि इस जन्नत में रहो, इस जन्नत की चीजों को खाओ पियो और इस दरख्त के करीब मत जाना, अल्लाह ने एक दरख्त से रोका। उस वक्त क्या था उनके ऊपर? सतर था, लिबास था। लेकिन जब उन्होंने दरख्त को इस्तेमाल कर लिया, शैतान ने बहकाया, फुसलाया, जिसके चाल में आकर हजरत आदम और हव्वा ने उस दरख्त का इस्तेमाल कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सातिर लिबास को उतार दिया, दोनों नंगे हो गए, दरख्त के पत्ते लेकर अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। तो यह है सतर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब अता किया, तभी से यह सतर है। सतर यानी मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज आए हैं हिजाब के लिए, के हिजाब चादर की शक्ल में, ओढ़नी की शक्ल में या किसी बड़ी चादर की शक्ल में, यह है दर हकीकत हिजाब पर्दा। यह पर्दे का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद में अता किया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके उसका हुक्म दिया। इसका यह मतलब है कि सातिर यानी कि जो लिबास हुआ करते वो मर्द और औरत पहले से इस्तेमाल किया करते थे, कोई नंगे नहीं रहते थे, सभी कपड़े पहनकर रहते थे, लेकिन उन कपड़ों को छुपाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, हिजाब का हुक्म नाजिल किया। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मर्द का सतर कितना है, औरत का सतर कितना है। आमतौर पर मर्द का सतर
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है, कितना? नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक। हर हालत में मर्द को चाहिए कि इतना सतर करे, इतना छुपाना हर हालत में लाजमी है, चाहे वो किसी स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के लिए जा रहा हो, किसी बॉडी में तीन